सेकंड क्वेश्चन हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो है कॉट थीटा प्लस का कोसेक थीटा साइन थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। इक्वल करना है मुझे इसको कोसेक थीटा और कॉट थीटा के। मुझे इसको मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले मैंने कॉट थीटा को देखा, क्या मैं कॉट थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद मैंने प्लस का लिखा, कोसेक थीटा को वन अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। याद रखिएगा कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा और साइन थीटा के, कोसेक थीटा बराबर होगा किसके, वन अपॉन साइन थीटा के, टेंजेंट थीटा इस तरह टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। सो अब मैं इसको डिवाइड का साइन लगाया, जो डिवाइड बना हुआ था यहाँ पे डिवाइड लगाया यहाँ पे। उसके बाद मैं लिखा साइन थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के। अब मैंने जब इन दोनों का एलसीएम लूँगा, जब भी नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम क्या आता है, सिंपल है, कॉस थीटा प्लस का वन और यहाँ पर आ गया साइन थीटा। इस तरह से यहाँ पर मैं इनका एलसीएम लूँगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे कॉस थीटा, नीचे वन है, यहाँ पे एलसीएम क्या है कॉस थीटा। यहाँ पे तो कॉस पहले से, यहाँ पे कॉस नहीं है तो ऊपर जाके एलसीएम आपको लेना आता होगा। यहाँ पे क्या होता है कॉस ऊपर चले जाएगा तो साइन और साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का यहाँ पे साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, सही है। अब मैंने जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो हम क्या कर देते हैं, सबसे नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उससे नीचे वाली उससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, नीचे वाली क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर जाएगी तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई किससे होगा, कॉस थीटा प्लस के वन से। इस तरह साइन थीटा ये ऐसी था, साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा किसके, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा के। ये कंडीशन बन गई है, ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर, इसके बाद वाली है, इसके बाद वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। अब ये कंडीशन बन गई, नोट कीजिएगा आप, कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, मतलब इस चीज़ को मुझे छेड़ना ही नहीं है। तो मैंने इसको अलग करके इसको इस तरह से लिख दिया, कॉस थीटा और साइन थीटा को बीच में डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने यहाँ पे, कॉस थीटा प्लस का वन ऐसे ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे साइन को कॉमन ले लिया, साइन थीटा को कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस का वन, ऐसी चीज़ बचेगी, कॉस थीटा प्लस के वन से कॉस थीटा प्लस का वन कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर होता है किसके, कॉट थीटा के, मैंने आपको पहले बता दिया था ये कॉस अपॉन साइन, और यहाँ बच गया वन अपॉन साइन, वन अपॉन साइन किसके बराबर होता है, वन अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के। ये हो गया प्रूफ।